वो बाड़मेर नागौर दोनों सीटों पर सहमति बन गई थी और बाद में कांग्रेस पार्टी के दो तीन नेताओं ने जिसमें हरीश चौधरी एक दो लोग थे, इन लोगों ने पार्टी को तोड़ के और इसको शामिल करा दिया कांग्रेस के अंदर, ठीक है। तो मैं ये चाह रहा था कि उस समय जब मेरी गाड़ी में जानलेवा हमला हुआ था, मुझे मारने का प्रयास किया 19 के अंदर, तब कैलाश चौधरी हम गाड़ी में थे, हरीश चौधरी का भाई भी था और ये सारे मुलजिम थे, तो मेरी इच्छा भी थी मैं इनका बीच बचाव करके इन बच्चों को एक साथ बिठा के सबको, क्योंकि वो तो जान से मारने का प्रयास था ना, बहुत बड़ा मुकदमा चल रहा, प्रदेश चला था लंबे समय से 4 साल तक, सारे डीजीपी की रिपेशियां पड़ी थी वहां पे, तो बच्चे आपस में एकजुट नहीं है। तो मैं चाह रहा था कि वहां जाके कोई इनके सभा करता, लेकिन उन लोगों ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया, अरे बच्चों में ग्रुप पड़ गया आपस में, बच्चे एकजुट नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना, तो बच्चे एकजुट नहीं हो रहे। अभी मैं सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहा था, ये उनका वहां का आर्थिक झगड़ा है, इसके अंदर मैं नहीं पढ़ना चाहता, मैं तो बाकी जगह प्रचार करके आया हूँ ना कांग्रेस पार्टी के, सर जगह वोट मांग के आया हूँ। अभी मैंने देखा था कि वहां की जो टीम है जिनके पत्थर लगे थे उस समय, जो मरते मरते बचे थे, मेरी गाड़ी में जानलेवा हमला हरीश चौधरी भाई इन लोगों ने कराया था, वो इन बच्चों को और मैं चाह रहा था, मैं कांग्रेस पार्टी को बार बार कह रहा था, मैंने कहा बार बार में जाके और कोई ऐसा काम करें कि इनके आपस में बैठक हुए, क्योंकि मैं जरा अकेला भागिया था ना, पूछ के तो है नहीं, इन लोगों के मन में ये पीड़ा है, इसलिए मुझे छोड़ के और ये बच्चे गुस्से के अंदर है, अभी इनका मैं बयान पढ़ रहा था अभी सारा। राजेंद्र चौधरी आरएलपी का नेता है, 15 साल से आरएलपी के लिए काम कर रहा है, उमेदराम से पहले वो आया था, उमेदराम को टिकट दिलाने के लिए गजेंद्री लाया था मेरे पास उसको, ठीक है ना, मैं नहीं जानता था उमेदराम को, गच्चा तो उमेदराम ने दिया है कि एक तो गठबंधन की बात चल रही थी, पार्टी छोड़ के भाग गया अभी मैदान में, गच्चा तो उससे मुझे दिया था, मैं उसके टिकट के लिए अड़ा हुआ था, तो हनुमान बेनीवाल से फिर कांग्रेस पूछेगी ना, हनुमान बेनीवाल से कांग्रेस पूछेगी ना भाई, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, आपकी सीट पर चुनाव हो गया नागौर में, अब आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मना नहीं पा रहे। अरे सुनिए मेरी बात, नागौर में कई कांग्रेस के नेता वोट मांगने नहीं आए मेरे पास, ठीक है ना, बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं, आपके साथ तो विधायक घूम रहे थे नागौर की सभी, अरे विधायक घूम रहे थे लेकिन जो स्टेट के लीडर थे, दो तीन नेताओं को मैं नाम आज इसलिए नहीं लूंगा, ठीक नहीं, कल मतदान है, जिनको मैंने बुलाया था वो जानबूझ के टाइम देके नहीं आए यहाँ पे, ठीक है ना, लेकिन फिर भी मैंने पार्टी का प्रचार किया, मेरी सारी टीम राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी के साथ लगी, कल भोपालगढ़ के हनुमान बेनीवाल जी आपकी सादगी और बेबाकी ही के कायल है, राजस्थान के लोग फैन है आपके, देखिए मेरी बात सुनिए, ये आंतरिक झगड़ा है बच्चों का, गठर हो जाए तो उसमें मर जाते लोग, मेरी जान चली जाती, कैलाश की उस हरीश चौधरी के साथ लोग खड़े नहीं हो सकते, हनुमान बेनीवाल कह दे तो भी नहीं होंगे, क्या कर लूंगा मैं बताओ मुझे, अगर आज कल मेरी सभा करे तो मैं कर देता वहां पे, अब चुनाव प्रचार थम गया, मैं जाके कहां से वोट मांगूंगा बताओ मुझे, बिल्कुल मैं कैसे जाऊंगा वहां, ये तो कल मेरी सभा करे तो क्यों नहीं कराई सभा इन लोगों ने।